मुझे लगता था कि ट्यूनिशिया और अरबिक कंट्रीज सिर्फ बाजार, अच्छे खाने और अच्छे लोग के वजह से होंगे, बट यहाँ पे था असली एडवेंचर ट्यूनिशिया में, डेजर्ट में, जहाँ पे मुझे मिला मौका देखने का ये संकन शिप जो कि विशाल था, और फिर ये बाली जैसा एक्सपीरियंस। आपको ये वीडियो में मजा आएगा। ट्यूनिशिया आ रहे हो तो ये तो एक मस्त चीज़ है कि आप अफ्रीका के एकदम सर पे जाके खड़े होके फोटो लोगे। मेरा नाम है राजा राब जान, आई एम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल टाउन इन इंडिया, और अपने 20 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर दी थी सोलो ट्रैवलिंग। मैं गया था एक साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप में, और उसके बाद मैंने शुरू कर दी 2019 में एक वर्ल्ड ट्रिप जो कि था पूरा यूरोप, और यूरोप में 3 महीने घूमने के बाद मैं निकल पड़ा साउथ अमेरिका में। फिर साउथ अमेरिका में कई सारे महीने घूमने के बाद कोविड में मैं फंस गया 2020 में, और मुझे वापस आना पड़ा इंडिया। और अभी 2021 में मैं निकल पड़ा फिर से अपनी सेकेंड वर्ल्ड ट्रिप के लिए, रशिया से लेके अफ्रीका में ट्यूनिशिया, और आगे एक्सप्लोरिंग चलती रहेगी। आप लोग बने रहिए एंड लेट्स एक्सप्लोर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड विद योर एक्सप्लोरर राजा। तो मैंने लास्ट वीडियो आपने देखा था एक बंदा है जो मेरे को घुमा रहा था ट्यूनिशिया के कैपिटल ट्यूनिस में, और मैंने उसको बताया कि मैंने इंटरनेट में देखा है कि आपके पास एक संकन शिप है। तो उसने रिसर्च किया और अपनी गाड़ी में मुझे लेके चलाया अगले दिन डेजर्ट में, जहाँ पे था ये संकन शिप विच इज़ अ फ्रेंच शिप। इसके बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। तो हम लोग आ गए यहाँ पे। What is the place name of the place? It's Bizerte. हम लोग government and the city is Bizerte. हाँ। And the place is Rimel. It's mean the sun. हाँ, Rimel, sand. Yeah. तो हम लोग Bizerte में आ गए। ये ट्यूनिस से सिर्फ ऊपर आता है, ट्यूनिस से 70 किलोमीटर ऊपर, और यहाँ पे बहुत कुछ है करने को। जैसे अफ्रीका नॉर्दर्न पॉइंट भी यहीं पे है, तो इस वीडियो आपको वो भी दिखाऊंगा, बट पहले चलते उस जहाज तक यूजिंग एक कायाक। तो मैं इनसे मिला काउचसर्फिंग के हैंगआउट से, और आप लोग इनको देख चुके हैं ऑलरेडी मदीना वाले वीडियो पे, और इसके अंदर है आज का हम लोग का कायाक। सो दिस इज द कायाक एंड दिस इज स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग या because I use it when I do camping. Okay, this all set for €110? Yeah. Good deal. Yeah. तो बन चुका है, अब इसको पकड़ के हम लोग ले जाएंगे। No. How? You see? Okay, on that side. Slide. Oh, it's cold. It's cold? Yeah. But it's clean. They're fishing here. You stay in the front? No, it's in the back. No, I need to be out in the front. Okay. You are heavy? The direction is no. I take the direction. Okay. I go? Wait. We need to put this one to the direction. Okay. समझ रहे हो आप? क्या चल रहा है यहाँ पे ट्यूनिशिया में? Okay. Okay, wait. Okay. Check the hoses, they are closed. All the hoses are closed. All? All the hose. No, you. Wait, the chair is closed. Thank you. Okay, let's go. तो हम लोग काय करते करते जाएंगे उस जहाज तक। चलो करते हैं कायाक। How to say hi in India? Namaste. Namaste. Namaste kayak. Namaste ocean. Ocean, not ocean, this is a Mediterranean. Yeah. Oh.
तो ये एक फ्रेंच शिप है और जब ट्यूनिशिया को फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिला था 1956 में, तब फ्रांस ने ये शिप यहीं पे छोड़ के चला गया था। ये एक एक्चुअली कमर्शियल शिप है, तो इस पर पीछे कोई डरावना स्टोरी नहीं है कि जैसे कोई पायरेट्स ने अटैक कर लिया या फिर कुछ। फ्रेंच ने बस यहाँ पे छोड़ दिया समुद्र के पास और यहाँ पे ये सॉइल इरोशन की वजह से ये और वेव्स के साथ समुद्र के तट की तरफ आने लगा और ये स्टक हो गया। और स्टक करने के बाद आधा गिर गया, आधा टूटा पड़ा है और आधा जंग पड़ा है और बाकी का आधा आपके सामने है। गाइस देख रहे हो कहाँ पे आ गए हम लोग? तो भाई देखो हम लोग कहाँ आ गए, संकन शिप के यहाँ पे जो कि बंजर पड़ा है कम से कम 20 years एटलीस्ट 20-30 साल से पड़ा है यहाँ पे। ये सब भी हो रहा है ऑलमोस्ट 70 साल से, तब मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला। This is Africa, guys. This is Africa. Welcome to Tunisia. Welcome to Africa. स्वागत है मेरे साथ एक्सप्लोरर के साथ ट्यूनिशिया में। दिस इज अफ्रीका, दिस इज ट्यूनिशिया। इट्स देयर, इट्स डेंजरस। या आई कैन सी द रेस्ट ऑफ द बोट, सो इट्स नॉट वेरी गुड आइडिया, वी शुड टर्न अराउंड। या या या, तो भाई उधर पूरा बोट पड़ा है, ये टूटा बोट उधर भी है, तो हम लोग उधर से नहीं जा सकते। या सो वी शुड जस्ट टर्न अराउंड, इट्स मच सेफर। उधर एक और बोट है, बट दिस इज फन, दिस इज रियल एडवेंचर। वाओ, फील्स लाइक सोमालिया। भाई वीडियो ब्लर क्यों है कंप्लेंट मत करना, बहुत मुश्किल था और नीचे बहुत सारे रॉ पार्ट्स थे, तो हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ा, तो कैमरे की तरफ कम फोकस था। बट आगे हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिला, जैसे कि ये जंपिंग वाला। यहाँ पे उठने में जान निकल आई, बट मज़ा आया। तो भाई वाओ, दे सॉ इट टू, नो बट यू आस्क्ड देम अबाउट द फिश। आई वाज आस्किंग बिकॉज़ फॉर मी तो वो जहाज 70 साल पुराना है और ये नया बना है। या मजा आ गया। Not ocean, it's a jungle of Mediterranean. No, Mediterranean. repeat. One more. One more time, like just to... Woo! I feel like the king of Mediterranean ocean. तो एडवेंचर हो गया है
ये आप कैसे देखे नहीं कर सकते, आपको किसी को जानना होगा जो जिसको जानता है, जिसके पास कायक हो और कायक लेके यहाँ पे एंजॉय कर सकते। बट वो जब जहाँ पे जंप हो रहा है ना वहाँ पे ऐसे भी आ सकते हो, बट फिर भी यहाँ पे कोई बस वस नहीं आता, यहाँ पे आपको कार रेंट करके आना पड़ेगा, ये सिंपल है। चलो इसे पैक करते हैं। इट्स नाइस ब्यूटीफुल वैली बट इट्स ग्रीन इट्स मोर बेटर यू सी द सी देयर। हां यस आई कैन सी बट यू से दैट्स व्हाई आई कैन सी नाउ। व्हाट इज इट कल्टिवेट, व्हाट डू यू कल्टिवेट हियर, व्हाट डू यू मेक हियर? यू मेक ऑलिव? नॉट ऑलिव बट दिस इज ऑलिव, यू सी दिस ऑलिव ट्रीज, दिस ऑलिव या बट हियर वी मेक to make bread, you see the wheat. Yeah. Wheat. So in spring it's all green, and in the end blue. Yellow. No, blue. The water. Oh, water. Yeah. So you have like green and blue. तो अभी हम लोग जा रहे हैं अफ्रीका के सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट पे, जिसे कहा जाता है केप एंजेला, और ये है बिजर्ट। आई एम वेरी बैड विद द व्हाट इज द सिटी नेम अगेन, बिजर्ट 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 शहर में, ये बेंजार्ड में है, और ये है अफ्रीका का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। इज इट जीपीएस मशीन? दे आर राइटिंग द कोऑर्डिनेट। हाउ डू यू नो हाउ मच इज इट, हाउ मच नॉर्थ? एनीवे हम लोग कहाँ गए अभी, केप एंजेला की इधर शाम हो गया, शाम के कितने बज रहे हैं अभी, शाम के अभी ऑलमोस्ट 7:45 बज गए, 7 बजे सनसेट हो जाता है और हम लोग लेट आए, बट कोई बात नहीं, बट हम लोग आ गए हैं। ओह इन द डे इट वुड बीन सो प्रीटी राइट एंड विद द ड्रोन। उधर है लाइट हाउस, दिखा रहा है कि भाई इधर पानी नहीं है, इधर लैंड है। इट इज़ द टिप ऑफ अफ्रीका, एकदम सबसे ऊपरी भाग पे आ गए। और आप अगर ट्यूनिशिया आ रहे हो तो ये तो एक मस्त चीज़ है कि आप अफ्रीका के एकदम सर पे जाके खड़े होके फोटो लोगे। I came here twice time this year, this summer, and this is the first time I come to go to the screen like that, like a calm. Calm. You see, like it's not wavy. Because it's, this is the north place, so every time it's wavy. Oh, this is the first time you see it very calm. Yeah. And in winter it's very brutal. No, in winter like it's the different thing. And where did you camp here? Here, yeah, just here. One of those rocks? Yeah. Really? Is people staying here? भाई चलो चले अफ्रीका के एकदम नॉर्थ पे। वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लोरिंग अच्छी लगी है तो शेयर करना बनता है यार, कर दो यार। दिस इज एंजेला, ओके रस एंजेला। इट इज 37 डिग्री एंड 20 मिनट्स एंड 53 सेकंड्स नॉर्थ, दैट्स लाइक दिस पॉइंट एंड दैट्स ट्यूनिशिया। And we're in the top of Africa. The north one. We are in head of Africa. Yeah. तो भाई यही जगह है और आपको मैं एकदम north पे ले जाता हूँ। वेल अगर दिन में आता ना तो पक्का स्विम करके उधर जाके बताता कि मैं और भी north पे हूँ, बट ठीक है यही कैप है। Welcome to Africa guys, welcome to the topmost point of Africa with Explorer Raja. But tell me, how can an average guy come here? Average guy? Like who doesn't have friends like you? Excuse me? Like is there a bus or any... No, but it's, they have public transportation, mm-hmm. and it's easy, like you go direct to
to here. But not in this point. How far? Till that restaurant? To the restaurant or to the oil station? So to the oil station? Yeah. And from there it's like a half an hour walk. Yeah, just you need to walk now. Yeah. So from Tunis we can get a bus to Bizerte. To Bizerte, exactly. And it will take 1 hour. One hour 45. Is it a bus or is it Luash? You have both. Chalo. Bus bhi milega, Luash bhi milega. And it will cost like 3 dinar, 4 dinar maximum. It's kind of Maximum 5. Maximum 5 dinar. And you can come here and plan in the day. The rest, you know how your friends get. It's okay? Yeah, Harissa, yeah. That has fish? No. That one, yes. This is what they eat. That has fish? Yeah, this is fish. But this one? Yeah. No, not fish. Oh, yeah, we can have it. But don't put it. Don't put it? Why? Because it's not the sandwich. Okay. So, yeah, Levi B. यहाँ का special sandwich, Bizerte का, और वही try करने वाले हम लोग. इसमें ज़्यादा chickpeas, और salt, और बहुत सा हरे सा. Olive oil? Olive oil? Olive oil. Olive oil. भाई ये छोले का जो सैंडविच है ना बहुत ही बढ़िया तो ये सिर्फ बिजर्ट में मिलेगा लेबर अदर वन देयर हां स्मॉल स्पून हां दिस सो वी आर गोइंग दिस वे बहुत ही स्वादिष्ट है लबी भी ज़्यादातर फिश के साथ मिलता है बट आप बिना फिश के भी ले सकते हो मैंने इसे भी अंडा के साथ लिया है बहुत ही स्वादिष्ट है तो ये है Bizerte का पोर्ट जैसा अपने मोनेस्ट्री में देखा था मरीना वैसा यहाँ का है बट ये उतना टूरिस्टिक नहीं है ज़्यादातर लोकल्स इन्जॉय करते हैं और उधर के सारे बिल्डिंग तो मुझे थोड़ा बहुत एम्स्टर्डम की याद दिला रहा है बाकी यहाँ पे बहुत चिल्ड है अच्छा है